उस जमाने में यहाँ शास्त्री जी थे। जी जी, श्याम सुंदर शास्त्री जब सम्मेलन हुआ था तब तुम यहाँ थे? महाराज जी, मेरा जन्म चित्रकूट का ही है और 55 में हुआ, उस समय में 5-6 साल का रहा, मेरे को नहीं याद। भाई चार भाई थे जो याद है तुमको? अभी दो भाई बच्चे, दो भाई चले गए। आप पार्टी में खड़े हो जाते हैं तो भगवान की दया से आप देख जाते हैं। हाँ, महाराज जी का कीर्तन का ही भाव। पानी यहाँ नहीं था महाराज, में आपके लिए नीचे से हम लोग लाते थे, हमारी माँ थी, हम थे, हमारा भाई खा रहा था ना कुएं का महाराज जी, थोड़ा पी का रहा पानी, परिवर्तन हो गया कुछ, नीचे से लाया था पानी ज्यादा चलने लगा। बात तेजी से काम करवा ली, उनके लड़के पूरे परिवार सही खाते थे। वही है, पहचान रहे हो? जी हाँ, बहुत। 20 दिन रहे और रोज हनुमान धारा से एक घड़ा भरकर पानी मंगाते थे, वही पीते थे डेली। अमृत जल है, अमृत जल है। दो आदमी थे पानी लाने वाले, होड़ थी उनमें, हम लाएंगे। वो कहे हम लाएंगे पानी। शास्त्री जी ने बहुत सेवा की हमारी। वो लेक्चर सुनने के बाद आके बैठ जाए और कहे बस ऐसी इच्छा होती है आपको देखते रहे, क्या बोले हैं आप। सारे विद्वान दंग रह गए काशी के। विनायकाचार्य, नील मेघाचार्य और बड़े बड़े जितने दार्शनिक विद्वान थे काशी के, 72 फिलोसफर्स बुलाए थे, जगत गुरु लोग भी थे उसमें, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य। राजत रघुराजू, यहाँ का गौरव है, सीता जी ने वेदी बनाई है, भगवान की यहाँ सभा हुई, ऋषि मुनि वनवासी, बहुत प्रमुख स्थान है यज्ञ वेदी। अब इतनी सुविधा साधन बन गए, धर्मशाले बन गए, सुविधा साधन बन गए, अब यात्री परदेशी आराम चाहता है महाराज जी, भक्त लोग भी आराम चाहते हैं, तो नीचे ठहरने की बड़ी जगह बन गई। अब यहाँ नहीं ठहरते लोग, पहले बराबर यहाँ आते रहे, कुछ न कुछ होता रहता रहा, अब इतना विस्तार हो गया, नए नए निर्माण हो गए, साधन बहुत निर्माण तो समझी में नहीं आता है, चित्रकूट है। शहर बन गया उस तरफ, शहरी बन गया, बड़े जी कर्मी चित्रकूट एक हो गया, अब कूट नहीं रहा।